सरकारी विभागों में नौकरियां खत्म हो गई, प्राइवेटाइजेशन हो गया, सरकारी विभागों में एससी एसटी ओबीसी को आरक्षण था वहां पर प्राइवेटाइजेशन लागू कर दिया। प्राइवेटाइजेशन लागू करने की वजह से इन सभी लोगों का आरक्षण खत्म हो गया और इन लोगों को आरक्षण दिया गया तो ये सारा का सारा कब्जा करने का मामला है। और दूसरी भयंकर बात है, उस भयंकर बात को भी समझना जरूरी है कि आरक्षण गरीबी निर्मूलन का कार्यक्रम नहीं है। आरक्षण कोई गरीबी निर्मूलन के लिए नहीं बनाया गया, शासन और प्रशासन में पर्याप्त प्रतिनिधित्व करने के लिए दिया गया। ये जो नौकरियां हैं ये नौकरियां नहीं है, ये प्रशासन में प्रतिनिधित्व का मामला है कि लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व का अधिकार है आरक्षण। और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लासेस, माइनॉरिटी जिसमें मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, बुद्धिस्ट है, जैन है, लिंगायत है, ये सारे के सारे जो माइनॉरिटी के लोग हैं, इन लोगों को इस देश में अधिकार से वंचित किया गया। ये जो षड्यंत्र किया गया है, ये षड्यंत्र साथियों हम लोगों को समझना होगा।